नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर। नीतीश सरकार इन दिनों रोजगार देने पर फोकस कर रही है। नीतीश सरकार धीरे धीरे अपने 20 लाख रोजगार देने के वादे को पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में 7595 पदों की मंजूरी दी है। अब तक 2 कैबिनेट मीटिंग में 16,000 पदों की मंजूरी दी गई है। वहीं नीतीश कैबिनेट ने एमएलए एमएलसी के लिए फ्री बिजली यूनिट का दायरा भी बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, इसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट ने अपने फैसले में बंदोबस्त कार्यक्रम से जुड़े विशेष सर्वेक्षण अमीन को लेकर लिया है। इस फैसले में बंदोबस्त कार्यक्रम में स्वीकृत 7595 नए पदों के 6300 से ज्यादा पद सर्वेक्षण अमीन के लिए निकाले गए हैं। इसके अलावा 518 पद विशेष सर्वेक्षण कानून गो, विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259 पद और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 518 पद को भरने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में 363,26,85,000 रुपए की राशि जारी की गई है। फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को दिवाली और दुर्गा पूजा के मौके पर बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया गया है। मेडिकल छात्रों की तर्ज पर नर्सिंग के छात्रों को इंटर्नशिप का पैसा दिया जाएगा। हर महीने 1500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने अपने एमएलए एमएलसी की सुविधा भी बढ़ाई है। अब विधानमंडल के सदस्यों को हर साल 30,000 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। अब तक यह व्यवस्था थी कि विधानमंडल के सदस्य हर महीने 2000 यूनिट बिजली का फ्री में उपभोग कर सकते थे। इस तरह से 12 महीने में कुल 24,000 यूनिट फ्री बिजली दी जाती थी। अब उसमें बदलाव किया गया है। अब सालाना 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने में का निर्णय लिया गया है। यानी अब हर महीने 2,000 यूनिट के बजाय 2,500 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।